शाम शाम हो जाती जिम्मे कि टुटिया उतरिया हड्डिया जोड़ों का दर्द रीढ़ की हड्डी डिस्क प्रॉब्लम गोडे मोटे गिटे दर्द करते लोगों के अपना नाल ठीक कर देने तो सब तो वीड्डी गल करा अल्लाह की याद आ सब तो अल्लाह तो बड़ा कोई है नहीं ठीक है क्योंकि अल्लाह ने मैं शिफा दी आ मेरे तो अनेक लोगों का अल्लाह पाक ने इलाज करवाया तो अल्लाह के हुक्म नाल मैं इलाज करता रहूँगा ये मैं अजमेर गया सी अजमेर उत्थे एक इंसान इलाज कर रहा सी फिर उस तो मैं इसे गुण लेके आया दंदा दा तुसी ऐ देखो सर फॉरन तो शुरू हो जाओ जिवें कनेडा अमरीका इंग्लैंड तो भी पेशेंट आउंदे आ ते यानी कि यूपी तो भी लखीमपुर खीरी शाहजहानपुर गोला तो इधरों अपने अंबाला कैंट हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी हुण तक तकरीबन मैं अपने 45 कैंप ला चुके हुण तक हाँ जी हाँ सरकारी डॉक्टर एम बी बी एस डॉक्टर एम डी डॉक्टर बी एम एस डॉक्टर सारे डॉक्टर के नाल मेरे कैंप लगते इन्होंने साडा इलाज शुरू किया कोई दवाई नहीं लैनी सिर्फ इन्होंने कुछ एक्सरसाइज दसियां कुछ वॉक दसी तो इन्होंने अपने हाथों के नाल ते मूँह के नाल पता नहीं कि परमात्मा वालों गॉड गिफ्ट मिलया होया तो इन्होंने मेरी बैक प्रॉब्लम आ जिहड़ी डिस्क की प्रॉब्लम वो ठीक आ तकरीबन 80% हूँ मैं बिल्कुल ठीक हाँ पिछले 15 दिनों तो मैं इन्होंने को आ रहा हाँ तो बाकी इन्हों कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं बंदा देख कोई गरीब आ फ्री भी इलाज कर देने मेरा नाम सोनी है जी पिंड है जी ढूही प्रॉब्लम से बहुत डिस्क प्रॉब्लम से बहुत देर की बहुत डॉक्टर दिखा लिया बहुत थावे दिखाया पर ठीक नहीं हुई फिर मैं डॉक्टर साहब को मिले इन्होंने पता नहीं हथ से की जादू की किया मैं बिल्कुल ठीक है इन्हें बहुत वधिया इंसान ने बहुत वधिया डॉक्टर ने साडे पिंड का माण दवाई कोई नहीं दी जी इन्होंने बस ये हाथों के नाल ही जादू करता वीडियो कॉम्प्यूटर सही बन गई कैंप लग्या सी साढ़े चट्ठी से स्वागत आप सब का तो मैं हाँ सुखा खीरीवाला दस दिए कि मलेरकोटला शहर अजिहा जिथे कि लत्तां बाहां जी हाँ टुटियां हड्डियां का जिहड़ा इलाज आ वो किया जाता हालांकि देसी तरीके दे नाल इलाज किया जाता तो मलेरकोटला दे विच या फिर पंजाब दे विच जिथे जिथे भी तेली मुस्लिम बरादरी आ तां अपना जिहड़ा खानदानी इलाज आ जिहड़ा तरीका आ उसनूं वरत के इलाज करदे ने अज असीं मलेरकोटला नाल लगदे पिंड हथन खड़े हाँ तो साबर अली इतों एक डॉक्टर ने नौजवान ने तो उन्होंने जो पत्नी आ वह भी उन्होंने हथ बटा तो दूरों दूरों लोग चल के इतने इस करके आते हैं क्योंकि इन्हों का इलाज करा जो तरीका वो वक्रा जी हाँ जिते हथ के नाल बिना दवाई तो बिना किसी ऑपरेशन तो बिना एक्सरे तो हथ के नाल हर तरह का इलाज किया जाता गोडे मोढ़ियां तो लैके सर्वाइकल तक का इलाज जो है इतों करके तुरंत दर्द हटा के इन्हों वालों कहा जा रहा कि भेजा जाता है तो नाल ही नाल एक वक्री कला इन्हां कोल है वह है जो मूँह के नाल हड्डी का इलाज अपने दंदा के नाल करते हैं मूँह के नाल करते हैं फिलहाल एक माता आ जो माता काफ़ी लंबे समय तो इतों आती है हालांकि ये माता का कहना है कि बहुत लंबा समा और डॉक्टर को गई आ पर कितों भी इनू सही नहीं लग्या इलाज नहीं होया पर अज माता इतने आ तो पूछ लें भी की होया माता की ना तेरा छोटी हाँ जी की होया सी तुम मेरी डिश हिली थी वो ठीक करिए पहला कितने कितने गए बहुत आई फिर बथेरे लोग दुनिया ही आ ठीक हो के जाते ने पत्नी ने उन्होंने पहला गल करांगे अगे आ जाओ की ना मेरा नाम नुकसान इलाज कर
इन्हां नूं बख्श है, ये हत्थां नाल ही इलाज करदे ने आपदा इन्हां दा। हाँ जी, दंदां नाल भी करदे ने, जिवें कि रीढ़ की हड्डी, गोडे, मोढे, गिट्टे दर्द करदे ने, वह ये इलाज करदे ने। इन्हां तों बहुत दूर दूर लोग आ चुके ने, साडे कैंप भी लगते ने, तो असीं कैंप मैं इन्हां दे नाल ही हुन्नी आ, तो कैंप असीं लगाउने आ। हाँ जी, खानदानी काम सारे यही करते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक हो के ही जाते हैं। इतों नहीं कहते भी वक्रा तरीका, पर लोग सही होंगे ने इस काम के, सही होंगे ने। हाँ जी बिल्कुल जी। तो चलते हैं दूसरे पासे, जिथे इतने जड़े ने लोग भी मौजूद ने, तो लोगों नाल भी गलबात कर लें। पहला पहला इतों शुरू करा की नाम सोनी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम सोनी है जी, पिंड हाथन है जी। मेरी ढूही च प्रॉब्लम सी, बहुत डिस्क प्रॉब्लम सी, बहुत देर दी, बहुत डॉक्टर दिखा लिया, बहुत थावे दिखाया, पर ठीक नहीं हुई। फिर मैं डॉक्टर साहब न मिलया, इन्होंने पता नहीं हथ की जादू की किया, मैं बिल्कुल ठीक है जी। इन्हें बहुत वधिया इंसान ने, बहुत वधिया डॉक्टर ने, साडे पिंड दा मान ने। दवाई दित्ती है? दवाई कोई नहीं दित्ती जी, इन्होंने बस इन्हें हत्थां दे नाल ही जादू करता। मैं बिल्कुल सही हाँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक हाँ। दुनिया बहुत आउंदी जी इन्हां कोल, बहुत वधिया डॉक्टर। पैसे तो मेरा प्यार है जी इन्हां नाल, मैं जो हत्थ घुट के देता इन्हां ने फड़ लिया जी, कदे कोई मंगया नहीं, मूँह नहीं मंगदा। हाँ, खानदानी है जी। इत्थे सिंघ भी ने, उन्हां नाल भी गल करांगे। की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। पिंड लड्डा गा बादशाहपुर गुरद्वारा साहब विखे मैं हैड ग्रंथी की सेवा निभा रहा। इस पिंड दे विच हाथन पिंड दे विच मेरी सकी भूआ रहिंदी है। मैनू पिछले 4-5 सालों तो बैक प्रॉब्लम सी, डिस्क प्रॉब्लम सी, बड़ा दर्द रहिंदा सीगा। जदों सवेरे उठ के मैं पाठ करदा मैनू बहुत बड़ी मुश्किल आउंदी सी, पर मेरी भूआ ने मैनू रैफरेंस दिता इन्हां दा कि साडे पिंड डॉक्टर साहब नेगे साबरअली साहब, तो इन्हां कोल असीं आए, इन्हां ने साडा इलाज शुरू किया। कोई दवाई नहीं लैनी, सिर्फ इन्होंने कुछ एक्सरसाइजा दसिया, कुछ वॉक दसी, तो इन्होंने अपने हाथों के नाल ते मूँह के नाल पता नहीं कि इन्हों परमात्मा वालों गॉड गिफ्ट मिलया होया, तो इन्होंने मेरी बैक प्रॉब्लम आ जी डिस्क की प्रॉब्लम वो ठीक कर दी। तकरीबन 80% हूँ मैं बिल्कुल ठीक हाँ गा, पिछले 15 दिनों तो मैं इन्होंने को आ रहा गा। तो बाकी इन्हों कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, बंदा दे कोई गरीब आ फ्री भी इलाज कर देने, असं उन्होंने तो बहुत खुश हाँ जी। तो ये हाथन पिंड का मतलब नाम चमका रहे हैं, असी इन्हों के बहुत धन्यवाद देंगे। हाँ जी, नहीं नहीं इस तरह की कोई गल नहीं, सानू कोई कमीशन नहीं, कोई लालच नहीं है। प्रॉब्लम असं बड़े बड़े डॉक्टर को PGI भी मैं गेड़े मारे ने, बादशाहपुर विखे मैं हैड ग्रंथी सेवा निभा रहा, उतों तुम पता कर सकते हो। PGI भी मैं जाता रहा जी, बहुत गेड़े लाए ने गे, बट मैनू उतों रिलीफ नहीं मिली, इतों आके मैं बहुत आराम मिले। 80% मैं ठीक हाँ जी, दवाइया भी नहीं मिली। हाँ जी हाँ, बहुत फर्क है जी। जान लें इस साबरअली डॉक्टर जी के पिता जी ने खानदानी कि तुम पुराने समय तो ही करते आ रहे हो जी? जी साढ़े खानदान जी पहले तो ही हाँ जी, साढ़े रिश्तेदार भी करते ने, सारे असं करते हैं जी। ये जो ये कोई रब कन्नियों ही हस दस हथा दस आसी बहुत वधिया, जिहड़ा भी कोई मरीज आउंदा तो कहना भी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। हाँ बहुत आते हैं जी, बहुत दुनिया आ बिल्कुल। बुजुर्गो तुम की समझते हो जो डॉक्टर हाथ में सिफा कहते अपनी तरीके दंदा ना इलाज करते? हाँ जी, मेरे नाम दिलवर जी, तो बाकी मेनू भी डिस्क की प्रॉब्लम थी। मैं पटियाला 11 नंबर के खन्ने मलेरकोटले अपने सरकारी हस्पताल के इलाज करवाया, बिल्कुल ठीक नहीं होया। बाकी इन्होंने मेरा रीढ़ का बिल्कुल ठीक कर दिता जी इन्होंने। सिखा के क्यों बैठा जी? बिल्कुल ठीक है, मेरी चोटी छड़ाती इन्होंने जी, मैं चोटी ना जाता हूँ जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं आई मेरा मूँह के नाल कर देने ठीक, फर्क फर्क ठीक है। कोई पैसे तो कोई जो दे ले ले, नहीं ठीक है नहीं फ्री चल रहा कम, सवेर तो शाम तक इतने 20-50 बंदे हर रोज आ रहे हैं जी। फ्रीडम फाइटर ने साडे नाल बहुत सारिया जंगा लड़िया, लड़ाई भी लड़ी आ, की कहोगे? फादर साहब से ठीक है, परिवार तो ने फ्रीडम फाइटर, की कहोगे? की नाम? मैं गुरिंदरपाल सिंह, मैंबर ऑल इंडिया परिवार, ऑल इंडिया का मैंबर हाँ।
मेरे घर के कुछ प्रॉब्लम से उन्होंने बेस प्रॉब्लम वगैरह से वो काफ़ी असं दिखाइया करी लेकिन बनी नहीं मैं ये साढ़े को कैंप एक लगता है क्योंकि साढ़े को लोग भलाई संघर्ष सोसायटी है जिस दे विच असी हर महीने एक कैंप लाने होंगे वो कैंप के साढ़े को आते पहला उस तो बाद जो इन का देखा इलाज इन्होंने फिर उस चीज़ का इलाज किया तो मतलब काफ़ी सानू बहुत ज़्यादा 90% सानू फर्क पाया उसका लाना तो बाकी इलाज बहुत अच्छा जो साढ़े कैंप लगता होंगे सी कैंप के घट्टो घट्ट 400-250 बंदा इन्होंने चैक किया लेकिन सानू अज तक किसी की होर शिकायत नहीं आई भी सानू कोई सट फायदा नहीं होया हर एक बंदे नू फायदे ही होया कोई दवाई बहुत की नॉर्मल कितने किसी ने देती नहीं इन्होंने आपके हाथों कोई पता नहीं की इन्हों को है आपके मूँह नाल आपके हाथों ही कोई ऐसा करते हैं भी जो वो मरीज़ ठीक हो जाता है सानू दवा दे के जाता है बजाय बिल्कुल जी एक होर बजुर्ग ने उन्होंने भी गलबात कर लेना जाते जाते बुजुर्गो की कहोगे की प्रॉब्लम से तुम्हें की ना ता मैं हैगा लोक भलाई संघर्ष जी सूबा प्रधान जिस टाइम के गुरनाम सिंह जिस टाइम तो ये साडा पहला पार्टी का राबता होया मैं संरूर साडा सूबे का दफ्तर है यो दफ्तर दे विच किते चान चक्के पहुँच गया पहुँचाया उत्थे एक बजुर्ग आए हुए थे उन्हां तों तुरिया नहीं जांदा सी इन्हें आख्या कहिंदा भी बापू जी की होया तुहानूं कहिंदा मेरे तो इस तरह ढूही ना तुरिया नहीं जांदा मैं अंदर आपके दफ्तर बैठा सी इन्हें देख के सारिया मेरिया मानता मिली है सरकार की पंजाब की उन्हूं देख के इन्हें उस बंदे नूं बैड ते पा लिया ठीक है बंदा एक मिनट बैड ते पा के उस बंदे नूं ठीक ठाक हो गया ये कहिंदा भज के आ वो भज के भी आया जा ठीक हो गया इन्हें तह देख के अपनी जो कार्रवाई थी दफ्तर की ये कह लगे बापू जी थोड़ा यह प्रोग्राम है जोड़ा मैनू मैंबर बना लो महा मैंबर तो तेन हरे नहीं बनाते सारी जथेबंदी बुलावे बुला के तेन जवाब दवाई देंगे दे नहीं बिल्कुल दवाई नहीं दी कोई मैं कैंप 11 लगा चुके नहीं मैनू बीमारी नहीं कोई मैं पावर कदा करा रहा पहला तो मैं थोड़ा सब तो शुरू च बधाई देनी थी भी मनेरकोटला जिला बनने के लिए मेरा जोड़ा प्रोग्राम है इन्होंने अच्छ पहला रखाया मैं इतने मनेरकोटले में घट तो घट 25-30 प्रोग्राम कर गया जोड़ा बाईपास बनता थी दंदा नाल भी करता है नाड़ा खिच के भी करता है हाँ मैं 11 कैंप लवा चुके बिल्कुल ठीक होंगे ने ये 2-3 साढ़े कहने पार्टी के मुताब से हाले 2-3 मेरे करने सुधार रहे वह मैं कर दूंगा छेतों छेती जिदा इन सर्कल प्रधान बनाया जिदा इन्हें 500 बंदा मनेरकोटले पाता इनू जिला प्रधान भी बना दूंगा ओदा बिल्कुल ये कहते ओदा भी देवे डॉक्टर साहब वधिया ने साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर सिखा के बिठाते हम भी तारीफा करी जा नहीं सर नहीं इदा की तो कोई गल नहीं तो सामने है सारा कुछ यानी कि सवेर तो पेशेंट आने लग जाते शाम हो जाते जिमें कि टुटिया उतरिया हड्डिया जोड़ों का दर्द रीढ़ की हड्डी डिस्क प्रॉब्लम गोडे मोडे गिटे दर्द करते लोगों के अपना नाल ठीक कर दें तो सब तो वड्डी गल करन वाला अल्लाह की याद आ सब तो अल्लाह तो बड़ा कोई है नहीं ठीक है क्योंकि अल्लाह ने मैनू शिफा दी आ मेरे तो अनेक लोगों का अल्लाह पाक ने इलाज करवाया तो अल्लाह के हुक्म नाल मैं इलाज करता रहूँगा तरीका ये मैं अजमेर गया सी अजमेर उत्थे एक इंसान इलाज कर रहा सी फिर उस तो मैं यह गुण लेके आया दंदा का बाकी हत्थां दी तां मैनूं शुरू दी बख्त सी जिसनों भी तकरीबन किन्ने भी मरीज आउंदे आ नाल दी नाल ठीक हुंदे जांदे आ हाँ हाँ खानदानी काम मैं ते मेरा भरा दो ही डॉक्टर तो उस तो बाद मेरे फुफड़ जी काम करते सर जी काम करते साढ़े सारा खानदानी काम अपना सर तुम ए देखो सर फॉरन तो शुरू हो जाओ जिमें कनेडा अमरीका इंग्लैंड तो भी पेशेंट आते तो यानी कि यूपी तो भी लखीमपुर खीरी शाहजहानपुर गोला तो इधरों अपने अंबाला कैंट हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी हूँ तक तकरीबन मैं अपने 45 कैंप ला चुके हूँ तक हाँ जी हाँ सरकारी डॉक्टर MBBS डॉक्टर MD ना डॉक्टर BMS डॉक्टर सारे डॉक्टर के नाल मेरे कैंप लगते मेरा भरा तो जिमें कि साडे रिश्तेदार तकरीबन सारे यही इलाज कर रहे हैं जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैं तो सवेरे उठ के परमात्मा यही कहना भी तुम मेरे तो
इदा ही लोगों की सेवा कराते रहो। हाँ जी सर, फिर हूँ घर ही कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ, हथन पिंड है जी मेरा, मरेकोल तहसील है, मरेकोल डिस्ट्रिक्ट बन गया हूँ, तो हथन पिंड है जी, हथन पिंड ही इलाज करते हैं मैं, मेरी मैडम रुखसाना, असी मियाँ बीबी दो जने यही काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट के ठीक करने वाला। हाँ जी हाँ, जिमें कि किसी डिस्क की प्रॉब्लम आ, किसी के मणकें गैप आ, किसी भी किस्म की मर्जी हड्डियों की प्रॉब्लम होवे, अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह अल्लाह की याद करने वाली है नाल दी नाल। ठीक, बहुत पेशेंट होए अल्लाह दे हुक्म नाल नाल दी नाल। ठीक, सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा ठीक होया, बाकी तुसीं मरीजां नाल गल कर सकदे नाल दी नाल। ठीक, रब दी अड्डी बख्शा अपने ते नाल दी नाल दर्द खत्म। ना मेडिसिन देने, ना कोई गोली, ना कैप्स, ना कोई इंजैक्शन, ना कोई बारा लाने, ना कोई आप मलते हैं। ठीक है, रब की बख्शा, बस हत्थों के हत्थों के ही आप सैट करते हैं, हत्थों के ही जड़ पड़ी दी है, तो नाल दी नाल आपां रिजल्ट। नहीं 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 नहीं, इदा का कोई काम नहीं, ना कोई गिलास, ना कोई पट्टा, किसी भी कोई पेशेंट कह दे, क्योंकि कैंप के उत्ते हर एक कैंप के उत्ते घट्टो घट्ट ना ना करते भी आप हुण तक 300-400 इदा पेशेंट कढ़दे आ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਥਨ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਬਰ ਵਾਲੀ ਨਾਂ ਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਫੇਮਸ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸਮੀਰ ਤੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਯੂ ਨੋ ਸੈਂਕੜੋ ਕਾਲਜ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ 10th 12th ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ IELTS ਸਕੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। pyramidvisa.com ਜਾਂ pyramideservices.com ਰਾਹੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।